जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा नोटिस एसएससी ने जारी किया है फिजिकल से जुड़ा। और दोस्तों आपके बहुत बड़े सवाल आज इस वीडियो के अंदर दूर होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी ने बड़ी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी है। अभी अभी आपसे मात्र कुछ मिनट पहले ही नोटिस जारी हुआ है। चलिए आपको पूरी जानकारी दिखा देते हैं। अगर आप एसएससी कॉन्स्टेबल की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों देख लीजिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आज 24 जुलाई को ये नोटिस आया है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आप बोलो आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर सभी कैटेगरीज के एक्सपर्ट मिलते हैं जिनके साथ आप वीडियो कॉल करके उनसे कुछ भी बात पूछ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर दोस्तों 5 पॉइंट बताए गए हैं, हम एक एक पॉइंट आपको समझा देते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस एनआईए एचएसएफ एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। फिर ऊपर लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस एनआईए एचएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 20 जून 2019, यानी कि 20 जून को आपका रिजल्ट आया था। इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का जो पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट पीईटी पीएसटी ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अगस्त सितंबर 2019, यानी कि दोस्तों आपका जो विद्यार्थी पास हुए पीईटी पीएसटी के लिए उनका पीसी और पीएसटी टेस्ट है वो अगस्त और सितंबर महीने के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, यानी कि आपको फिजिकल के अंदर ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड ले जाना होगा, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। इसके अलावा प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, जो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा वो ले जाना पड़ेगा। वन पासवर्ड साइज कलर फोटो ले जानी पड़ेगी और जो अन्य नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिट कार्ड में बताए जाएंगे वो आपको फिजिकल में लेके जाने हैं। जी हां दोस्तों, अब मत कहना अंग्रेजी सीखना मुश्किल है क्योंकि आ गया है स्पोकन इंग्लिश सर ऐप। यहां पर ऐप डाउनलोड करते हैं आपको ग्रामर सेशन का ऑप्शन मिलता है, इसमें ग्रामर के तमाम टॉपिक्स क्रिया टेंसेज आपको अच्छे से समझाए गए हैं, जिसके जरिए आप पूरी ग्रामर चुटकियों में सीख जाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं तथा आपको स्पोकन इंग्लिश के 100 से ज्यादा टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपको दिए गए हैं जिनके जरिए आप आसानी से हर टॉपिक को समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विज दी गई है और आपको यहां पर इंग्लिश में ब्लॉग दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप इंग्लिश को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में वही बात एसएससी ने बताई है कि अगर रिजल्ट में कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो 31 जुलाई से पहले एसएससी के हेडक्वार्टर यानी कमीशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाओ। फिर अगला 4 नंबर का पॉइंट है, ये दोस्तों बड़ी खबर आपके लिए है। हाउएवर इट इज क्लेरिफाइड दैट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी डाटा फिल्ड रॉन्गली बाय द कैंडिडेट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक कैटेगरी जेंडर डोमिसाइल स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट इत्यादि शैल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द कमीशन। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा आपका सवाल दूर हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर मैं ओबीसी से हूं लेकिन मैंने फोरम में कैटेगरी जनरल भर दी थी तो मेरा क्या होगा। कुछ कह रहे थे मैं राजस्थान से हूं लेकिन गलती से राज्य फोरम में हरियाणा भर दिया, मेरा क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर आपने ये जो इंफॉर्मेशन है फोरम में गलत भरी है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। मान लो अगर आप हरियाणा से हैं और आपने राजस्थान उस समय फोरम में भर दिया था तो दोस्तों भूल जाओ, आपका सिलेक्शन जीडी में नहीं होने वाला है अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार। क्योंकि दोस्तों आप ने कहा है कि जो आपने फॉर्म में भरा है वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। यानी कि मान लो अगर आपने हरियाणा से फॉर्म भर दिया, आपने हरियाणा राज्य लगा दिया फॉर्म भरते समय गलती से और आप हो राजस्थान से, तो अब आपको हरियाणा का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वही वहां पर दिखाना होगा। वरना अगर आप मान लो ये कहें कि मैंने गलती से भर दिया था मेरा ये चला लो, नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भर दी तो आपको ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी जो आपने इंफॉर्मेशन भरी थी उन्हीं के डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर अलग होंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा 5 नंबर का अंतिम पॉइंट है पीईटी एंड पीएसटी बोर्ड्स विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डाटा। यानी कि जो पीईटी और पीएसटी करवाने वाला बोर्ड है सीआरपीएफ, वो अब आपके डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। पूरा अधिकार परिवर्तन करने का एसएससी के पास ही है। वो बोर्ड है जो आपका फिजिकल करवाएगा वो आपको कोई रियायत या छूट दे ही नहीं सकता। ये दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर थी, 5 बड़ी खबरें एसएससी ने दी हैं, 5 महत्वपूर्ण आपको यहां पर रूल बताए गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ देर पहले जारी हुआ था। दोस्तों पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसे एसएससी कॉन्स्टेबल की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।